उल्टा हो गया, मतलब अवरी है भिन्न को प्रतिशत में बदले। ये राम कुछ कहेगा प्रतिशत को भिन्न में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। इसमें क्या करेंगे, सौ से भाग देंगे। यहाँ क्या की थे, सौ से गुना, यहाँ क्या करेंगे, सौ से भाग। जैसे कहेगा कि 10% को भिन्न में बदल दिए, तो क्या करेंगे, 10/100, मतलब एक दूसरे की खत्म 1/10, भिन्न आगे कि नहीं आगे। कहेगा 20% को भिन्न में बदल दिए, तो 20/ कितना कर देंगे, 100, 25/100, 1/5, समझ गए। कहेगा कि आप 50% को भिन्न में बदल दिए, तो क्या करेंगे, 50/100, कितना हो जाएगा, 1/2। दो टाइप समझ में आया। तीसरा टाइप देखिए, टाइप थ्री। टाइप तीन में हम बताए, टाइप तीन में बताए कि किसी संख्या का कितना परसेंट। जैसे कहा हम बाबू कि 400 का 5% बताइए, 400 का 5%, 400 गुना, और 5% का मतलब 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 20। अगला सवाल मालिक कहे कि बाबू 1800 का 2% बताइए, 1800 का 2%, 1800 अगुने 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 2 6। टाइप तीन। टाइप चार देखिएगा, टाइप चार में बताए हैं कि किस, मान लिया जाए कहा कि बबुरे 60 1800 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत प्रतिशत है। देखा गपिया में लगा लियो ने, देखा था इनावरत करियावा के मंगरेलवा, 60 1800 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे करेंगे जी, 60। अब ऐसे इसको देखिए, पहले स्टेटमेंट में सवाल को कच्ची करेंगे, स्टेटमेंट में पहले बदलने की कोशिश करेंगे। ऐसे करेंगे 1800 का कितना परसेंट बोला था, कितना परसेंट, 1%, मान लेते हैं कि 1% होगा। अब बराबर कितना कर देंगे, 60, तो ये हो गया 1800 काम है गुना 1% का मतलब 1/100 बराबर होने कितना है 60, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इन्हें कितना हो गया 18, 1 बराबर होने कितना है 60, 1 बराबर कितना होगा 60/18, काटिएगा काटिएगा तब 3 2 60 और 9 2 18 यानी 30/9। बात को समझ में आ गया, कभी पूरा पूरा कटे वाला कभी डेसिमल में भी आया। ये चार टाइप क्लियर हो गया। पांचवा टाइप देखिएगा ध्यान से, वो सवाल भी सबसे ज्यादा पूछता है, पचवा टाइप भी, ठीक है ना। ये सब बेसिक है बाबू, अभी तो सब चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ये सब कुछ ही है, परसेंटेज का बेसिक है जो आपको जानना चाहिए, परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है। आइए जैसे सवाल देखिएगा टाइप फाइव में। टाइप फाइव में कहता है किसी संख्या से कितना ज्यादा या कितना कम परसेंट। जैसे कहेगा बाबू रे कि 30 50 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है 30 कम कि नहीं 50, हाँ। और प्रतिशत में बताइए कितना, जैसे संख्या में तो 20 कम है, हाँ। लेकिन प्रतिशत में बताइए कि कितना कम है, समझ गए, हाँ। तो कम या ज्यादा प्रतिशत का फॉर्मूला बताया है, कम या ज्यादा प्रतिशत, हाँ। का फॉर्मूला क्या होता है, अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर लिखेंगे, हाँ। और जो इधर से कंपेयर करेगा बेस आधार कहाँ लिखेंगे, नीचे, और गुने क्या कर देंगे 100, समझे, यही फॉर्मूला लगाना है। कम पूछे या ज्यादा पूछे, तब कम या ज्यादा पूछेगा ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, दोनों संख्याओं का अंतर बटा आधार गुने 100। आइए तो कहा है बहु दोनों संख्या का अंतर लीजिए, हाँ। 50 -30 अंतर ऊपर हो गया, हाँ। कहा है कि केकरा से अंतर कंपेयर केड़ा करा जाए, 50 से, तो 50 कहाँ आएगा, नीचे, और गुने का कर देंगे 100, आइए समझ में, हाँ। तब बताओ 50 में से 30 के लिए कितना 20, बटा नीचे कितना है 50, गुने 100, 50 से 2 बार में काट दो, तो कितना बार में 100, 20 दो नहीं 40 प्रतिशत का, प्रतिशत में कितना कम है 40, हेलो समझ में, फिर समझिए ना, समझ में आया, एक सवाल और लेते हैं। कहेगा कि 60 80 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, क्या बताए हैं, कम या ज्यादा प्रतिशत का फॉर्मूला बताए हैं, अंतर ऊपर लेना है, दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर, और आधार कहाँ लेना है, नीचे, और गुने क्या कर देना है 100, अंतर बाबू, तो अंतर 80 -60, बट आधार कौन है 60 से 80 से ना, 80 कहाँ आ जाएगा नीचे, और गुने कितना हो जाएगा 100, तो 80 में से 60 के कितना हो जाएगा 20, और बटा 80 गुने 100, ठीक, 1 0 1 0 खत्म, 4 2 8, 4 से कितना वाली 25, कितना प्रतिशत कम है 25, कम वाला समझ में आ गया,
अब ज्यादा वाला समझिए, मिटा रहे हैं भाग का समझ ना, मेन फार्मूला याद रखें नहीं वाला, ठीक ना। अब सवाल कुछ पूछेगा ज्यादा वाला, काम पूछे तब भी यही फार्मूला लगाना है, और ज्यादा पूछे तब भी यही फार्मूला लगाना है। देखिए कहेगा बाबू, कहेगा कि 80, सवाल ऐसे है कि 120 100 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक ना है, संख्या में पूछता था 20 ज्यादा है, लेकिन संख्या में नहीं पूछा, प्रतिशत में पूछा, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, कम या ज्यादा प्रतिशत का, कम या ज्यादा प्रतिशत का फॉर्मूला होगा, अंतर दोनों का अंतर ऊपर बटा आधार आगुने 100, है ना। अंतर देखिए 120 माइनस 100, अंतर हमेशा बड़ा से छोटा घटाना, समझ गए ना, और बटा आधार कहाँ है 100 से 100 कहाँ जाएगा नीचे, आगुने 100, 100 से 100 खत्म हो गया ना, घटाएंगे ऊपर कितना होगा 20, कितना परसेंट 20%। अब समझ में, एक और सवाल देखिए, कहेगा 600 500 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ज्यादा कितना प्रतिशत ज्यादा है, ज्यादा या अधिक है, तो क्या करेंगे अंतर दोनों को ऊपर लिखेंगे, अंतर बटा आधार अगुने 100, अंतर बाबू 600 माइनस 500 बटा आधार कितना है 500, अगुने क्या कर देंगे 100, है ना, दोनों का अंतर लीजिए 600 में से 500 गया कितना आ गया 100, बटा नीचे कितना 500, अगुने कितना 100, 2 0 से 2 0 खत्म, के बाद में 20 25 100 कितना परसेंट 20%। इस तरह के सवाल आगे तो बना दीजिएगा ना। Thank you.